हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर, साइंस स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के तरफ से आपका स्वागत है। मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टार्ट किया। फर्स्ट लेक्चर्स में मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर से करें। अब मैं उसके आगे के कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। आज की क्लास में मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला के कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, जो कि खैर 10th में भी आपने पढ़ा हुआ है और 11th में भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देखिए, डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला के लिए सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लीजिए, क्योंकि अपने को दो पॉइंट के बीच आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो 10th में तो आपने सिर्फ फार्मूला पढ़ा था, मैं 11th में आपको बता रहा हूँ कि फार्मूला फिलहाल आया कैसे। जैसे देखिए, एक पॉइंट पी ले लिया एक्स वन वाई वन, सेकंड पॉइंट आपका आ गया Q। अब P और Q के बीच डिस्टेंस फार्मूला निकालना है आपको, तो P और Q से आप X एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए। ठीक है, तो आपके पास A, मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। तो A बेसिकली क्या है, दिस इज़ द N, A परपेंडिकुलर से। तो अब इसमें आपको देखना है डिस्टेंस। तो अब ए क्या हो गया आपके पास, कि ए जो डिस्टेंस है पूरा, ए दिस डिस्टेंस शुड बी एक्स वन, शुड बी वाई वन, और इस पॉइंट का जो है यहाँ हो गया आपका, ए डिस्टेंस हो गया आपका एक्स टू, और ए डिस्टेंस हो गया आपका वाई टू। दिस इज, अब क्या है कि पी क्यू एन क्या है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ आप क्या लगा दीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, मालूम है आपको परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बीस स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। एक्स वन, दिस इज वाई वन, दिस इज एक्स टू। अब देखिए ए वाई टू, अब ये जो डिस्टेंस होगा एक्स टू माइनस एक्स वन, ये बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो ये आपका डिस्टेंस आ गया एक्स टू माइनस एक्स वन। अब ऊपर का डिस्टेंस निकालना है, तो पूरी हाइट है वाई टू और नीचे वाला हाइट है वाई वन, तो वाई टू में से वाई वन माइनस कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा वाई टू माइनस वाई वन। अब ये जो वैल्यू आया आपका पी एन, तो पी एन की जगह पर वैल्यू रख देंगे एक्स टू माइनस एक्स वन, और क्यू एन, क्यू एन की जगह पर आप वैल्यू रख दें वाई टू माइनस वाई वन, ये दोनों वैल्यू ये रख दिया। तो अब स्क्वायर हटा देंगे तो इधर होगा, तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला हो गया पी क्यू एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब क्या कि चूंकि ये स्क्वायर है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आप एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर भी लगाइएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ना अगर तो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में ही आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपका डिस्टेंस फार्मूला हो गया। अब देखिए, अब डिस्टेंस फार्मूला अगर आप ओरिजिन से लेते हैं तो एक कोऑर्डिनेट तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो जीरो। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि एक कोऑर्डिनेट मैंने लिया एक्स वन वाई वन, और दूसरा कोऑर्डिनेट है आपका एक्स टू वाई टू। अब एक कोऑर्डिनेट्स को आपने क्या मना लिया, ओरिजिन मना लिया जीरो कोमा जीरो, और इसको एक्स वाई कर लिया, तो जो फॉर्मूला था आपका एक्स टू वाई टू जीरो हो गया, और एक्स वन की प्लेस पे एक्स और वाई वन के प्लेस पे वाई, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड, अगर डिस्टेंस ऑफ पी एक्स वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस से अगर आप डिस्टेंस लेते हैं, तो मान लें कि एक कोऑर्डिनेट्स है, ए है आपका पी एक्स वाई, और ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस से आप जैसे ही डिस्टेंस लीजिएगा तो यहाँ क्यू पर एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा जीरो, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट जीरो। अब एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो जीरो ही हो गया, तो सिर्फ क्या बचेगा, जीरो माइनस वाई का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ए वाई स्क्वायर हो गया, मतलब इसको आप अंडर रूट वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब एज इट इज, अगर डिस्टेंस आप एक्स एक्सिस से लेना चाह रहे हैं, अगर ए डिस्टेंस लेना चाह रहे हैं, ए डिस्टेंस दिस इज आर, तो यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगी, जीरो कॉमा वाई, तो जीरो माइनस एक्स का, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई, तो जीरो ही हो गया। मतलब इसके लिए तो ये फार्मूला हो गया, और इसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, मतलब इसको आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अभी तक जो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा ना, उस पर इससे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब क्या दे रखा है कि डिस्टेंस आपको क्या निकालना है, ओरिजिन से निकालना है।
तो ओरिजिन से डिस्टेंस का आपने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस टू, तो माइनस टू का स्क्वायर फोर और थ्री का स्क्वायर नाइन, तो आंसर शुड बी रूट थर्टीन आ जाएगा आपका आंसर। अब डिस्टेंस क्या निकालना है, फ्रॉम एक्स एक्सिस से, डिस्टेंस एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से आपको डिस्टेंस जस्ट मैंने बताया था आपको, अभी तुरंत बताया था कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालिएगा। तो और ये क्या था, एक्स कॉमा जीरो, तो अंडर रूट वाई स्क्वायर, अंडर रूट वाई, वाई कितना है आपका, फाइव है, तो फाइव का स्क्वायर कर देंगे, तो फाइव का स्क्वायर यानी फाइव हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस है ना, माइनस में ले नहीं सकते, तो आंसर शुड बी फाइव। अब वाई एक्सिस से निकालना है, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस अभी मैं बताया था, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये है आपका एक्स वाई, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, तो वाई एक्सिस से क्या हो जाएगा, जीरो वाई, तो वाई माइनस वाई तो जीरो, जीरो मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और एक्स एक्स के तब माइनस सेवन का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आपका 49, आंसर शुड बी सेवन, क्योंकि आंसर कभी माइनस में नहीं होगा। अब देखिए क्या करें, द क्वाड्रेंट इन विच द पॉइंट लाइज इज, अब ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आप देख रहे हैं कि ये है एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस, तो एक्स पॉजिटिव मतलब ए एक्स पॉजिटिव है, और वाई निगेटिव है मतलब ये आपका वाई निगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन दिस, तो इसके लिए आप लगा दीजिए फॉर्मूला, एक्स ए इसको मान लेते एक्स वन और ए वाई वन तो दिया हुआ है, ए एक्स टू और ए वाई टू दिया हुआ है, तो एक्स वन माइनस एक्स टू मतलब जीरो माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू, दिस इज वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, तो आंसर शुड भी क्या आ गया, वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो इसको अपन मोड में भी आप लिख सकते, तो आंसर शुड भी सेकेंड। तो ये मैंने आपके डिस्टेंस फॉर्मूला बताया और उस पर कुछ क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, कोलिनियर, तो जैसा नाम वैसा काम, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में होना चाहिए। थ्री और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी दे लाई इन द स्ट्रेट लाइन पे, थ्री पॉइंट्स कोलिनियर होगा, तो इसके क्या कंडीशंस हो सकते हैं, तो इसके बेसिकली दो फॉर्मूले। अब ए पॉइंट मैंने लिया ए, दिस इज बी एंड सी, तो ए बी प्लस बी सी का सम टोटल के बराबर हो जाए तो भी आपका कोलिनियर हो जाएगा, या मैंने ए सी बी, ए सी प्लस सी बी ये दोनों का सम ए बी के बराबर हो जाए तो भी कोलिनियर हो जाएगा, या मैंने बी ए सी, बी ए प्लस ए सी बराबर बी सी होगा तो भी ये कोलिनियर हो जाएगा, मतलब कोई भी कंडीशन हो, किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर हो जाए तो वो कोलिनियर हो जाएगा, या कोलिनियर आप स्लोप के फॉर्म में भी आप निकाल सकते हैं कि ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी हो, या स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी ए हो, मतलब यह है कि ए बी का स्लोप आपको बी सी के बराबर हो जाए, या बी सी का सी ए के बराबर हो जाए, या सी ए के ए बी के बराबर हो जाए, तो किसी के भी बराबर हो जाए तो वो दैट इज, मतलब इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि ए बी बना, बी सी बना और सी ए बना, तो ए बी का स्लोप आपके बी सी के बराबर हो जाए तो भी कोलिनियर होगा, बी सी का स्लोप सी ए के बराबर हो जाए तो भी कोलिनियर होगा, और सी ए का स्लोप ए बी के बराबर हो जाए तो भी कोलिनियर, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला के क्या एप्लीकेशंस होते हैं, वो कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। जैसे नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर नेचर पता करना है तो आप डिस्टेंस फार्मूला से पता कर सकते हैं। अब आपके पास क्वाड्रिलेटरल बेसिकली क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डैट मीन्स इसके लिए आप क्या कीजिए कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल, तो आप ए डी और बी सी का डिस्टेंस फार्मूला निकाल लीजिएगा, तो दोनों डिस्टेंस फार्मूला क्या आएगा, इक्वल आएगा। उसी प्रकार आप डायगोनल का निकालिएगा, मतलब ए सी और बी डी, तो ए डायगोनल जो है ना, दिस इज़ नॉट इक्वल, तो आप बता सकते हैं कि दिस इज लोग्राम क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम्स की दिस आर द। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, ऑल साइड्स आर इक्वल,
और डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो दिस इज आप क्वाड्रिलेटरल्स में इसको क्या बोल सकते हैं, रोम्बस बोल सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि रोम्बस क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो इसमें भी आप डिस्टेंस फार्मूला निकाल दीजिए कि सभी का आप डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे तो सभी इक्वल आ जाएगा, और जब डायगोनल पे निकाले तो इक्वल नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, रोम्बस हो जाएगा। अब रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो रेक्टेंगल आपको मालूम है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड आल्सो डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइएगा सभी में, ए बी बी सी सी डी डी ए, तो क्या हो जाएगा कि ए बी बी सी सी डी और डायगोनल का भी आप निकाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूला से, तो अपोजिट डिस्टेंस जो होगा, डैट मीन्स अगर मैं इसकी बात करूँ कि ए नाम दे देता हूँ मैं ए बी सी डी, अगर डिस्टेंस फार्मूला निकालिएगा तो क्या हो जाएगा इसमें कि ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा और बी सी इक्वल टू ए डी हो जाएगा। बट और डायगोनल जब आप निकालिएगा ए सी इक्वल टू बी डी, तो डायगोनल भी आपके इक्वल हो जाएंगे, मतलब दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल का काम हो जाएगा आपका। अगर स्क्वायर की बात करें तो ऑल साइड्स आर इक्वल, डिस्टेंस फॉर्मूला सभी का निकाल लीजिए एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, तो सभी डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए नेचर ऑफ ट्रेंगल, तो ट्रेंगल्स इज सेड टू बी इक्विलेटरल कब हो जाता है, जब थ्री साइड्स आर इक्वल। तो आप इसमें भी क्या लगा सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं, बेसिकली ए बी बी सी सी ए इज द डिस्टेंस फार्मूला। ट्रेंगल आइसोसेलस कब होता है, जब टू साइड्स आपके इक्वल होते हैं, तो आपके कोई भी दो साइड आप निकालिए, कोई भी दो साइड इक्वल हो जाएगा तो ये आपका आइसोसेलस ट्रेंगल हो जाएगा। अब ट्रेंगल राइट एंगल क्या होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे, कैसे भी सेटिस्फाई कर सकता है, किसी दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करे दैट इज कॉल्ड आपको राइट एंगल ट्रेंगल होगा। क्योंकि अपने को क्या शुरू में पता तो नहीं रहेगा ना ट्रेंगल किसके बीच 90 डिग्री बन रहा है, तो आप तीनों का डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल दीजिए स्क्वायर, तो किसी दो का स्क्वायर तीसरे के सम के बराबर हो जाएगा तो आपका राइट एंगल ट्रेंगल हो जाएगा। अब देखिए एक्यूट एंगल ट्रेंगल क्या होता है, इफ़ ऑल द थ्री एंगल्स इन द ट्रेंगल आर एक्यूट देन द ट्रेंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रेंगल, मतलब आपकी तीनों एंगल क्या होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए, तो ट्रेंगल को एक्यूट एंगल ट्रेंगल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो का स्क्वायर का सम है जो तीसरे के स्क्वायर से ग्रेटर देन होगा तो एक्यूट एंगल ट्रेंगल हो जाएगा आपका। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल जस्ट इसका उल्टा, कि दो के लेंथ के स्क्वायर का सम तीसरे से छोटा हो जाए तो आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल हो जाएगा। तो मतलब ओवरऑल क्या होगा कि राइट एंगल आइसोसेलस, अगर कोई ट्रेंगल राइट एंगल आइसोसेलस कब कराएगा, तो टू साइड्स इक्वल भी हो और पाइथागोरस थ्योरम को भी सेटिस्फाई करे, दोनों चीज़ होना चाहिए तब ये होगा, अदरवाइज ये चीज़ नहीं होगा। अब देखिए मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ। अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है, अ क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, देन इट इज सेड टू बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका। अभी मैंने बताया था कि क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड इक्वल बट नॉट इक्वल, तो दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। अब देखिए अ क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी रोम्बस इफ, रोम्बस के लिए भी अभी मैंने बताया था कि रोम्बस के लिए क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेंगल इज सेड टू बी राइट एंगल आइसोसेलस, तो राइट एंगल दो साइड इक्वल भी होना चाहिए और पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई भी करना चाहिए, दिस ऑप्शंस। तो ये मैंने आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स के खर फर्स्ट लेक्चर में मैंने बेसिक कंसेप्ट बताए थे, सेकंड में मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला बताया, कोलिनियर का कंसेप्ट बताया और डिस्टेंस फार्मूले के एप्लीकेशंस भी आपको मैंने बताए हैं। तो फिलहाल अगर मेरे लेक्चर आपको अच्छे लग रहे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर से दें कैसा क्या लग रहा है, तो मैं उस हिसाब से आपको, अगर आपके तरफ से टॉपिक की डिमांड है तो टॉपिक भी बता सकते हैं, उसके लेक्चर मैं आपको पहले बना के बता दूंगा। अब इतने कंसेप्ट पर बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा।